Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं House Breaker. तो इस गेम में ना हम लोगों को घरों में बस चोरियां करनी है. देखो, मैंने GTA 5 में चोरी करी है, Minecraft में चोरी करी है, यहाँ तक कि रियल लाइफ में भी थोड़ी बहुत घर में चोरियां करी है. बट इस गेम में प्रॉब्लम यह है कि हमें चोरियां तो करनी है बट अपने पास ना कोई भी वेपन्स नहीं है. बाई चांस अगर पकड़े गए तो सीधा पुलिस पकड़ के ले जाएगी और अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के फुल दिमाग लगा के साइलेंटली चोरी करनी है. मतलब ऐसी चोरी करनी है कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए. बाकी ये सारी चोरियां हमें एक गैंगस्टर करवा रहा है, हम लोग उसके अंडर काम करते हैं, तो जो वो बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा. तो ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट से चलते हैं मिशन पे. ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द टाउन जहां पे आज हम लोग चोरी करने वाले हैं. बहुत जोरों की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और ये है हमारा हीरो, सॉरी आई मीन चोर, जो कि चोरी करने के लिए आज यहां पर आ रहा है. और ओके, किसी का फोन आ रहा है, शायद से अपना बॉस है. गए LJ, LJ, आई थिंक आई एम क्लोज. ओके, तो हम लोग शायद से कोई घर ढूंढ रहे हैं जहां पर हमें चोरी करनी है. टाउन बहुत ज्यादा शांत है भाई, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है. और ओए एक सेकंड भाई, पुलिस की गाड़ी राउंड लगा रही है. ठीक है भाई, वो जिस घर में हमें चोरी करनी है वहां पे कैमरा वगैरह भी लगे हैं. मुझे ऐसा लग रहा था कोई सस्ता सा गांव है, अपना काम इजीली हो जाएगा, बट थोड़ा डेंजर मिशन. क्या चल रहा है? बिल्ली बिल्ली कहां से कूद के जा रही है? ओके, तो हम लोग कोई विंटेज कार चोरी करने के लिए यहां पर आए हैं, ऐसा LJ कह रहा है जो कि हमारा बॉस है. पर डर वाली बात तो यह है कि भाई इस टाउन में पुलिस घूम रही है इतनी रात को भी, और हमारी जो आउटफिट है ना प्रॉपर खतरनाक चोर लग रहे हैं. ये पुलिस नहीं है, कुछ नॉर्मल लोग भी घूम रहे हैं. ठीक है भाई, मुझे तो लग रहा था एकदम सुनसान शहर है. ठीक है भाई, ये जैसे GTA 5 में हमसे सिमियन ने चोरी करवाता था, ये कुछ वैसा सा बंदा है. शायद से इसका कोई गैराज है और ये कोई विंटेज कार चोरी करवाना चाह रहा है. ठीक है भाई, भाई अपना ये जो बॉस है बहुत ज्यादा मतलबी है, खुद तो घर पे बैठ के ऐश मार रहा है और मेरे को यहाँ पे चोरी करने के लिए भेज दिया है. तो फर्स्ट टास्क है अपना, फाइंड दी बकलैंड्स हाउस दे लिव एट 34. ओके, उसका हाउस नंबर 34 है. एक सेकंड, लेफ्ट साइड में मेरे को दो बार आ रहे हैं और एक है ग्रीन, मतलब दोनों ही ग्रीन हो रखे हैं और अभी वो रेड हो गए थे. रेड मीन्स मैं बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रहा हूँ और अगर वो साउंड लोगों तक पहुँचेगा तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि उनके शहर में कोई चोर आ चुका है. बाकी यार क्या, एक सेकंड मैं क्राउच कर सकता. ओह वेट, हम लोग घर पे पहुँच गए. यही है घर जहां पे मुझे चोरी करनी है. और ये देखो गाइस, ये जो एक सेकंड, घरों की भाई घर की लाइट जल रही है और वो बंदा कह रहा था कि शायद घर पे कोई भी नहीं है, ये कैमरास वगैरह सब चालू है. और इधर दो गैराज है, एक ये छोटा गैराज है और एक पीछे भी गैराज है, पता नहीं स्टोर है. बटा जो भी है, हमें विंटेज कार चुरानी है, वो अपना टारगेट है और मुझे घर में जाना है. दरवाजे से तो शायद वो मैं जा सकता हूँ बट सारी चीज़ें लॉक्ड आ रही है. या तो मेरे पास हथौड़ी होनी चाहिए या ये कोई तो हुक है और एक लॉक पिक है और की है, मेरे पास चारों ही चीज़ें नहीं है. मैं घर में कैसे जाऊँ? इस पे चढ़ के जा सकता हूँ क्या? है भाई, स्कूल के बच्चे दीवार टाप जाते हैं इतना चढ़ गए तो. ये क्या कैसा सा चोर है भाई, सस्ता सा. पर छोड़ो यार, जो भी है, मुझे ना थोड़ा बहुत पुलिस का भी ध्यान रखना है. वो गाड़ी से चक्कर यहीं कहीं लगा रहे हैं. ये छोटा गेट यहाँ से नहीं यार, कैसा घटिया चोरा, लॉक पिक तो लेके चलता, हथौड़ी तो लेके चल. वेट, ओ एक सेकेंड, मुझे पता चल गया मैं यहाँ से अंदर जा सकता हूँ. बट समझ गया भाई, मेरे पास दिमाग है. मैं कह रहा हूँ ना, साइलेंटली चोरी करेंगे. इस डब्बे को खिसका के वहाँ पे लगाना है और इस पे चढ़ के अंदर जाना है. भाई लेट्स गो, आज हम लोग चोरी कर कर आएंगे. भाई इसको यहाँ पे रोका, पुलिस पुलिस तो नहीं आ रही ना भाई, झाँक के आ जाओ. बस इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है. और भागो जल्दी से घर के अंदर, लेट्स गो. ओह क्या क्विकली कूद गया है भाई, मैं पता भी नहीं चला. मैं एकदम मस्त आके झाड़ी में छुप चुका हूँ और मुझे पहले पता करना है घर में कोई है या फिर नहीं. तो हम लोग फटाफट, ओ सॉरी फटाफट नहीं, आराम आराम से चलेंगे और विंडो में झांक के देखेंगे कि अंदर घर का माहौल कैसा है. ओए नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं है भाई, मैं तो सही झाड़ी वाड़ी में आके छुप गया. घर से एक लेडी निकल कर आई है. ओ भाई
पागल औरत, बारिश हो रही है बाहर, क्या करने आई है? सो जा घर में जाके, चौकीदार है क्या? ऐसे घर का नॉर्मल बनना इतना कैसे कर सकते हैं यार? अपना सो आराम से, कर्टेन्स लगे हुए विंडो पे, पता नहीं से कैसे दिख गया मैं। बाकी जो लेफ्ट वाला मीटर है ना, ये फुल रेड हो रखा है, जब तक ये ग्रीन या येलो नहीं हो जाता ना, मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला भाई। बाकी हाँ, ये देखो थोड़ा सा भी स्क्रीन पे येलो इफेक्ट हुआ है और शायद वो घर में चली गई। नाइस, मीटर येलो हो चुका है। मैं हिलने, मैं कुछ साउंड भी नहीं कर रहा, उससे शक क्यों हो रहा है, पागल है गए? मैं देखो, मैं थोड़ा घास घास में ही जा रहा हूँ लेफ्ट लेफ्ट से, थोड़ा बहुत संभल के चलना पड़ेगा यार, ये बहुत डेंजर है यार। घर तो बहुत ज्यादा मस्त है, अमेरिका का फ्लैग लगा हुआ ऊपर, पक्का यहाँ पर कोई मिलिट्री का बंदा रहता है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। बाकी ठीक है, मैं एकदम मस्त झाड़ी वाड़ी में घुस के इधर आ चुका हूँ। गैराज उस साइड पे था, घर के फ्रंट से तो मैं नहीं जाने वाला भाई, मेरे को जाना है तो पीछे वाली साइड से ही जाना होगा। यहाँ पर मस्त स्विमिंग पूल है भाई, ये क्या है? वो मैंने इसे उठा लिया, गिरा भी दिया। मैं अंदर जा सकता हूँ पूल के? वाओ, अच्छा मैं पानी के अंदर भी छुप सकता हूँ, अगर कोई आ रहा है तो मैं से पानी के अंदर डुबकी मार सकता हूँ, बट मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ऑक्सीजन खत्म हो गया तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरे को उससे पहले ऊपर आना है। बाकी सीढ़ियाँ, यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओह, यहाँ एक डब्बा है, इसके अंदर छुप जाता हूँ मैं। तो सीन अभी कुछ ऐसा है ना, मेरे को लाइट, पुलिस आ गई। ओ भाई, मैं डब्बे को लेके चल सकता हूँ, बट उसने पुलिस बुला ली भाई। एक सेकंड, डब्बे को लेके कहाँ जाऊँ मैं? गैराज में पहुंच के गाड़ी लेके भाग जाता हूँ, खत्म, गेम ही खत्म भाई। पुलिस आ गई भाई, एक सेकंड रुको यार, लाइट क्या है यार? एक सेकंड, ये क्या है? ओ वेट, ओ मैंने लाइट एंड कैमरा सब ऑफ कर दिए भाई, क्या दिमाग है यार मेरा, एकदम सुपर डुपर। बट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है पुलिस वुलिस है बाहर? ये देखो पुलिस की लाइट आ रही है भाई, मैं फंस गया भाई, वहां पुलिस वाला यार। यार अभी तो मैंने चोरी भी नहीं करी, पुलिस वाला पहले आ गया। ओ भाई नहीं, इधर कोई नहीं है सर, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा टाप के भाग भी नहीं सकता मैं तो यार, क्या फंस गया यार मैं, अभी तो चोरी भी नहीं की मैंने, पहले तो कुछ करा भी नहीं, घर में ही घुसा हूं भाई, बहुत डेंजर पुलिस है भाई यहाँ की, वो जब गाड़ी लेके गए थे मैं तभी समझ गया था। इसको जाने दो भाई, भाई पता नहीं, अबे का भूत है क्या तू पागल? क्या लास्ट टाइम ना मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, इस बारी मैं फुल ध्यान से जाने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, खतरा तो मुझे बस घर के अंदर है, तो मैं इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा। फटाफट इस डब्बे को लेके चलते हैं, और सबसे पहले मुझे इसे यहाँ पे लगाना है। लास्ट टाइम मैं घोचू की तरह ना घर में जल्दबाजी में घुस गया, अभी चुपचाप क्राउच करके रहूंगा और आराम आराम से आगे बढ़ू, मेरे को लाइट से बच के रहना है। लास्ट टाइम में ना मैं लाइट में चला गया और लाइट में जाकर ना उसने मुझे देख लिया, तो झाड़ी से अंदर आ गया हूँ, और अभी जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, तो मैं पहले जाऊँगा इस डब्बे के अंदर दूर से ही, और अभी मैं लाइट में आए बिना दूसरी साइड जा सकता हूँ। पिछली बारी मैंने इस डब्बे के अंदर आने के लिए ना लाइट वाइट सब इग्नोर मारी थी, कूद के आ गया सीधा। अभी देखो मैं इतनी साइलेंटली गाड़ी चुराऊंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लास्ट टाइम तो भाई पुलिस को देख के पूरी हालत टाइट हो गई थी मेरी, मैं भी चुपचाप यहाँ पे आऊँगा। ओह कुछ नहीं यार, लाइट में आते ही कुछ गड़बड़ होती है, मैं चुपचाप जाता हूँ अभी। पहले तो लाइट ऑफ करो वरना पुलिस को बुला लेगी। ये ले, बोल फालतू क्या कर सकती है। ये रहा दरवाजा, क्योंकि लॉक्ड है, इसमें इसमें पासवर्ड है, और पासवर्ड का हिंट है लेडर से ऊपर वाला फ्लोर। वो इधर आ रही थी, गई क्या वो? भाई मैं बच गया यार, ये बहुत डेंजर लड़की है। यहाँ पर मैंने कहीं लेडर, वो रहा लेडर, सामने एक लेडर है। बाकी एक सेकंड, ये जो लेडी है ना बाहर घूम रही है, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, इसको पहले रूम में जाने देते हैं इसके घर के अंदर। भाई इतनी तेज बारिश में कौन घर से बाहर निकलता है यार, अपना कंबल में बैठ के टीवी देखो सो जाओ, पता नहीं क्या कर रही है बेवकूफ लड़की। ठीक है अभी जो भी है लाइट वाइट सब बंद है, उसने मुझे देख लिया, मैं लेडर उठा रहा हूँ, लेडर उठा के मुझे इधर लगाना है। चलो पुलिस बुला ली उसने, अभी अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बाहर भी पकड़ा जाऊंगा इससे बढ़िया घर के अंदर ही भाग जाता हूँ सीधा, बात ही खत्म भाई। ये पुलिस बहुत फास्ट है यार, बंदों के कंप्लेंट करने से पहले ही पहुंच जाती है। और एक मिनट, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे तो आ चुका हूँ, बट यहाँ पर कोई तो सो रहा है। हेलो आंटी, अंकल है ये तो? अंकल आप सोते रहो चुपचाप, देखो मेरे को आपसे ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने 32 ही इसमें इसने अपने दांत निकाल के इसमें रखे हुए हैं, वैसे इतनी एज में हो जाता है भाई, ऐसा हंसना नीचे हंस कौन रहे। हाँ तो मेरा काम हो चुका है, नीचे पुलिस आ चुकी है, पुलिस को ये नहीं मालूम कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, बट पुलिस सीढ़ी से ओ
मैंने गेट खोलने का ट्राई करा, वो कह रही है कि ग्रैंडपा हम वॉक पे कल चलेंगे, अभी आप सो जाओ। तो यानी इसको बिल्कुल डाउट नहीं है कि चोर ऊपर आ चुका है, बट हाँ जो भी है मेरे को यहाँ पर ना उसका पासवर्ड पता करना है यार, उसका पासवर्ड। ये देखो यहाँ पे एक कोड लिखा है 7, तो यानी फर्स्ट डिजिट 7 है, उस गैराज में पासवर्ड लगा हुआ है उसका। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं भाई, ग्रैंडमा की अस्थियां हैं। $300 की बिक जाएगी क्या ये भाई? इस पे प्राइस लिखा हुआ है, ये चुरा लेते हैं भाई, लेट्स गो। ओ तेरी AK-47 भाई, ये सच्ची में या तो इसके ग्रैंडपा पक्का मिलिट्री से थे या तो टेररिस्ट थे, बट जो भी है इधर बहुत महंगी महंगी चीजें पड़ी है। इनका एक फोन पड़ा हुआ है $50 का बिक जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉर हैं, ड्रॉर के अंदर यहाँ पर 4452 ये मेरे को पासवर्ड ही मिल गया। अब ये सही पासवर्ड है, ये सही पासवर्ड है ये नहीं मालूम, बट हाँ एक कोड इनकम्प्लीट है, एक मेरे को कम्प्लीट 4 डिजिट का कोड मिल गया। हो सकता है कि गैराज का पासवर्ड 4452 ही हो। बाकी यहाँ पर बहुत सारी ड्रॉर वगैरह मैं ओपन कर सकता हूँ। ये एक एंशियंट स्टैचू है, $500 भाई, ये ले लेते हैं। यहाँ पे भी ड्रॉर है, इसमें रेडियो पड़ा हुआ है, इधर क्या है, एक्सटेंशन कोड है, आयरन है। सस्ती चीजें नहीं चुराऊंगा यार, महंगी महंगी चीजें चुरानी है मुझे। यहाँ पर एक की है ये मिल गया, रेडियो है $50 का, इसके अंदर भी काफी सारी चीजें हैं, कैसेट है। ओ भाई एक सेकंड, कैस्केट क्या होता है, $200, मस्त है भाई। और यहाँ पे भी थोड़े बहुत ड्रॉ, भाई साहब इसने तो पूरा क्या है ये भाई, दो AK-47 रखी हुई है, एक तो चुरा ली, दूसरी की जगह नहीं है मेरे पास बैग में। यहाँ पर बहुत सस्ती सस्ती चीजें भी है, महंगी चीजें भी है। दादाजी की कंबल वगैरह रखे ऊपर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। इधर दो अलमीर, ओ वेट यहाँ पे एक अलमीरा है, इसके अंदर दूसरा कोड है 5, तो एक कोड था 7, एक था 5, बट हाँ मुझे तो 4 डिजिट का पूरा ही कोड मिल गया ना, क्या था वो कोड याद कर लेता हूँ यार, 4452 बेस्ट। यहाँ पर थोड़े बहुत और ड्रॉर है, और इस ड्रॉर के अंदर एक की मिला मुझे, एक रिमोट मिला, पता नहीं कहाँ यूज होने वाला है भाई। अभी मेरे पास ना ज्यादा जगह नहीं बची है, थोड़ी बहुत चीजें यहाँ से चुरा लेते हैं, बेस्ट एकदम। जितनी वैसे थोड़ी बहुत नहीं, यहाँ पर जितनी चीजें हैं मैं ना सारी चुराने वाला हूँ अभी, अब भर भर के चुरा लूंगा भाई, पूरी इन्वेंटरी भर डाली है मैंने चीजें चुरा चुरा के। शायद से अभी मुझे ना निकलना चाहिए यहाँ से, बहुत चोरी चक्कारी हो गई। फटाफट से इस दरवाजे को ओपन करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। मेरे को कोड मिल चुका है 4452। चुपचाप सीढ़ी उतरनी है, घर की लाइट बंद रखनी है, बहुत आराम से काम करना है। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, वैसे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, अभी मैं थोड़ा स्मार्ट चोर जो बन चुका हूँ। ओ एक सेकंड, भाड़ में जाए स्मार्ट चोर भाई, लाइट बहुत दूर है, और अभी यहाँ पर जो डब्बा था वो मैं ले गया हूँ, तो पुलिस मुझे देखने वाली है क्योंकि मैं लाइट के आगे से निकलूंगा। क्या करूं, इधर से क्यों नहीं जा पा रहा मैं। ओ वेट, सामने पुलिस आ रही है, मैं पानी के अंदर डुबकी लगा के बैठे रहूंगा भाई जब तक पुलिस नहीं जाएगी। ओके वेट, पुलिस वाला गया, बच गया मैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, भाग के चलता हूँ भाई मैं यहाँ से, बच गया भाई, सब कुछ सेफ है। लाइट्स बंद करो पहले फटाफट, और कोट डाल के देखता हूँ यहाँ पे, जल्दी से कोट डालना है मुझे, डल जाओ मुक्का क्यों मार। अच्छा ओ मुझे ये ऑन रखना पड़ेगा, 4452 भाई, गेट ओपन कर दिया, लाइट बंद करो। भाई रास्ता क्लियर है यार, गाड़ी ये रही गाइस, सामने विंटेज कार मिल चुकी है, बस चुरा के भागना है भाई। मैं थोड़ा सा डर पता नहीं क्यों लग रहा है, ये लाइट बंद करके चालू कर देता हूँ, क्योंकि 60 सेकंड बाद ना ऑटोमेटिकली पावर अप हो जाता है यार। वेट वेट वेट, पुलिस वाला बहुत दूर है, मैं हुई नहीं, ले आजा जो करने कर ले, देखा ही नहीं उसने, नहीं इधर कोई नहीं है सर, मैंने पूरा चेक करा, देख के आऊँ क्या बाहर, प्लीज़ मेरे को पकड़ियो मत। ओके भाई वो यहीं था वैसे, जा रहा है, उसे जाने दो भाई, जाने वाले को जाने देना चाहिए बेटा, चले जा, जान देनी पड़ जाएगी वरना देखो। ओके वो घर में गया, रास्ता क्लियर है, गाड़ी में बैठ के जल्दी से यहाँ से मैं निकल जाता। ओह वेट, मुझे इस दरवाजे को भी ओपन करना पड़ेगा भाई, मैं भाग रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक सेकंड, मैं पहले तो इस सारी बत्ती जला के बंद करता हूँ ताकि थोड़ी देर के लिए सारा टाइमिंग रिफ्रेश होए। भाई यार ये पुलिस वाला बहुत खराब है यार, चक्कर काट रहा है पूरे में, मैं यहीं पर बैठा हूँ भाई। देखो ये जा रहा पुलिस वाला, क्या मजे में घूम रहा है यार, ये क्या ड्रामा है, मेरे से कोई नहीं पूछेगा, मुझे कुछ नहीं समझ आया लास्ट टाइम मुझे पुलिस वाले ने कैसे पकड़ा, बट अभी इनके ऊपर बहुत ड्रामे, मुझे पता है कैसे चोरी करनी है, इस बार मैं चोरी करके जाऊंगा भाई साहब। पुलिस वाला तो भूत है, जादूगर है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से कूद के आया था, आवाज उसकी आ रही थी राइट से, आ रहा है सामने से कूद के, बट अभी बहुत हो गया, मेरे को कोड पता है, मैं सीधा जाके गाड़ी चुरा रहा हूँ, सामान वामान भाड़ में जाए। अब देखो मैं दिखाता हूँ कैसे चोरी करी, हाँ तेरे को कैसे पता चल, तू है ही जादूगर नहीं, तू देख तेरा बहुत हो गया, सीधा जाके गाड़ी चुराऊंगा मैं, जो करना है पूरी फैमिली को कर लो। अब देखो मेरा काम विंटेज कार चुराना है, मैं चुराऊंगा। ये पुलिस वाला पता नहीं कहाँ से निकल कर आया था, ये पुलिस वाला मेरे बीच में बहुत कूदता है। चलो फटाफट से मुझे इस पर डालना है 4-4, प्लीज चेंज ना हुआ हो यार। यस एक्सेस ग्रांटेड, गेट ओपन करो, जल्दी से चल के मुझे इसको हैक करना है ना। वेट में मुझे तारे काटनी है, और तारे काटने के लिए मेरे पास टूल नहीं है, पुलिस भी आ गई यहाँ पर। वेट ये चाहिए मुझे, अभी मैं तारे काट सकता हूँ फटाफट, ये लिया और इससे तारे कटेंगे। चलो
बट कटेगी कैसे? हो तो मुझे ये करना है तार काटने के लिए। डन, एक तार मैंने काट दी। पुलिस मेरे को पकड़ियो मत, मैं चुपचाप काम करने दे, मैं चुपचाप चोरी करने वाला चोर हूँ। लेट्स गो। दो तार काट दी, तीन तार मुझे काटनी है, काम हो जाएगा। मैं क्या मस्त चोरी कर रहा हूँ, मैं एकदम आते डायरेक्ट, एक दो तीन, लेट्स गो। तीन तारे मैंने काट डाली है, दरवाजा मैंने ओपन कर लिया है, दरवाजा ओपन हो जाएगा। बट जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को भी लॉक करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। ये मैंने इसको अनलॉक करने के लिए क्या करना है? ओ वेट, कैसे अजीब अजीब से टास्क है यार। मुझे इसको बैलेंस रखना है बीच में कर्सर को। बट ठीक है, मैंने गाड़ी का दरवाजा, आई एम एक्सपर्ट चोर गाइस। पुलिस वाला सामने ही है, क्या हो रहा है? गेट बंद कर भाई, मैं गाड़ी के नीचे छुप सकता हूँ। ओह, नीचे छुप नहीं सकता हूँ, मुझे गाड़ी को नीचे आके हैक करना है। तो ये है तारे, क्योंकि अपने पास अभी चाबी नहीं है। पिछली बार मैंने चाबी चुराई थी, इस बार मैं बिना चाबी के चोरी कर रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी की तारे वार काट के जोड़नी पड़ेगी। पता नहीं क्या सीन है यार इसका, मुझे तो कुछ भाई, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम कैसे करना है। इसको यहाँ कनेक्ट कर दूं तो, ओह ये तो पटाखा बज रहा है यार, ये कैसे करूं मैं? ग्रीन वाला नहीं, मुझे क्या पता यार कौन सी तार कहाँ लगती है, मैं क्या गाड़ियाँ चुराता हूँ क्या? अच्छा वेट, मैं स्विच कर सकता हूँ केबल्स। तो मान लो ऐसे, मैंने RGB बहुत सुना है, तो ऐसा फॉर्मेट मेरे को RGB, R मीन्स रेड, ब्लू मीन्स ब्लू, ग्रीन, G मीन्स ग्रीन, तो इसको इसके साथ स्विच करता हूँ, तो RGB। ये पिंक का क्या हिसाब है? पिंक वो लग गई, ब्लू भी लग गई, ग्रीन भी लग गई, रेड भी लग... ये क्या तुक्का था भाई, ये तो तुक्का था, मेरा कुछ दिमाग नहीं है भाई। लेकिन गाड़ी चाबी नहीं है यार, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? यूज करने का आ रहा है बट अबे गाड़ी चालू हो गई। पुलिस वाला क्या कर रहा है ये? कोई एक है, मैंने तो गाड़ी चुरा ली, पुलिस वाला बड़ा ही बेवकूफ अंधा पुलिस वाला था, गाड़ी चोरी हो गई भाई। पुलिस वाला तो अलग ही अंधा था, मेरे को पता नहीं कैसे पकड़ लिया। बट जो भी है, विंटेज कार हमने चुरा ली और मैं इसे लेके बस भाग रहा हूँ यहाँ से। कर लो जिसको पकड़ना है भाई। हो गई चोरी, न्यूयॉर्क की चोरी थी क्या? और पीछे तो पड़े हैं बुरी तरह, ये मैं नहीं कर रहा है, सिनेमैटिक है भाई। ओ भाई भाग जाओ भाई, गाड़ी मत ठुकवाइयो। ओ भाई लेट्स गो, क्या चेज हो रहा है भाई। ओ अबे बिजली कट गई, पेड़ गिर गया, हम बच गए। डूम 5 भाई, स्क्रिप्ट डूम 5 की है। लेट्स गो भाई, हो गया, हमने गाड़ी चुरा ली, मुझे उससे मतलब है। चुप रहे भाई। Let's go भाई, गाड़ी। Oh wait, सामने सिटी आया। तो honestly बताऊँ तो ये गेम का डेमो वर्जन था, इसीलिए इसमें थोड़े बहुत तुम्हें ग्लिचेस दिखे होंगे, पर हाँ इतना तो है कि जब गेम आएगा, पूरा आएगा, तो भाई बहुत मजे आने वाले हैं। ये गेम की स्टार्टिंग थी, शायद से भी हम लोग सिटी जाएंगे इस गाड़ी को लेके, एंड जो गेम प्रॉपर लॉन्च होकर आया, कंटिन्यू होगा, वो वहां से होने वाला है, फुल मजा आएगा। बट डेवलपर्स थोड़े अच्छे खासे ग्लिचेस गेम में, इसे ठीक करके डेमो निकालते। वो पुलिस मेरे को तो भाई किलस गई थी, मैं इतना सामान वामान चुरा के आया, पुलिस वाला कहां से टपका नहीं मालूम भाई, कमरे के अंदर से दीवार। बट जो भी है, हमने फाइनली गाड़ी चुरा ली। आई होप आप लोग को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो फटाफट से आगे वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 500,000 लाइक के लिए, और कमेंट से बताना कि जब ये गेम पूरा आ जाएगा डेमो वर्जन से, जब फुल रिलीज होगा, तो क्या हमें इस पे सीरीज बनानी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में बताना। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, मस्त मस्त गेम प्ले वीडियोस आने वाली है लाइफ टाइम, तो जल्दी से दबा दो बटन। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।